के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जो कि इतना आ, आ, सब आप लोग कर देते हो दिल से बेसिकली। तो यस, नीरज ने अभी दिया है अपना, बोले हैं नीरज ने, विच आर वेरी गुड। एंड यस, वही कि उन्होंने बोला कि जो 90 डेज बोले थे 13 तारीख को, जहां पे इंडिया में थोड़ा बवाल मच गया था, थोड़े लोग हिल गए थे बिना वजह पे, तो हिलना नहीं है इंडिया, यहाँ पे बहुत कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये 90 डेज से अभी कम होके थोड़ा 60 डेज का विजन हो गया, 60 डेज लगा लो, 65 लगा लो, 55 डेज लगा लो, मे बी 50 लगा लो, तो ये होके रहेगा बेसिकली। ओके, तो इसमें ये नहीं है कि बैकएंड के कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए जब हम सब लोग बोलते हैं कि रियल टाइम में बहुत कुछ होता है, अगर 13 तारीख को लग रहा था कि शायद 90 डेज लगेंगे, बट 22 तारीख आते आते वो दिन कम हो गए, कि लगा नहीं नहीं ये तो जल्दी हो सकता है। ओके, तो ये रियल टाइम में होता है, इसलिए कभी डेट नहीं दी जाती ऑन पैसिव में। तो जो लोग बवाल करते हैं, थोड़ा नेगेटिव कह लो, होने लग जाते हैं कि ये तो डेट तो देना चाहिए, ये देना चाहिए, नहीं, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे ही बनती है और ऐसे ही बनेगी। ओके, तो ये 90 डेज से घट के 60 डेज रह गए हैं, मे बी 55 डेज हैं, मे बी 65 डेज हैं, तो इसमें इसमें भी कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं कि ओ ये तो 60 डेज बोल गए थे, फिर आप तो अभी तो ये 65 डेज हो तो क्या हुआ। बट दिस इज टेक्नोलॉजी, जैसे ऐसे हो रहा है, हम सबको मालूम चलता जा रहा है वो चीजें, और वो होती जा रही है। एंड सेकंड थिंग जो कि एस ने सीधा बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नेगेटिव लोगों के लिए बोला था बेसिकली। ओके, जो नेगेटिव हो जाते हैं या बोल रहे हैं या बोलते रहते हैं या कुछ और थोड़े बहुत निकल आते हैं नेगेटिव, उन सब के लिए बोला था कि बी केयर। वेट वेट, आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़। को पूरा बजट दे दिया, पैसे दे दिए गए हैं लीगल टीम्स को, कि पूरा लीगल एक्शन लेने के लिए, अगर ओके कि अगर कोई ऑन पैसे, क्योंकि ऐसे बोला ये हमारा सबका बिजनेस है, एक बहुत लीगल एंटिटी है ऑन पैसे, जैसे सबको मालूम है, हमने बोला है, ऐश ने बोला है, सबने बोला है, तो पहले तो वो थोड़े लीनियंट है, ठीक है, हम लोग बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है अभी, बट जब अब सब कुछ रेडी है लॉन्चिंग के, उसमें हम लोग जा रहे हैं, तो अगर कोई लोग नहीं हट रहे तो नाउ हियर इज समथिंग अगली फॉर दोज पीपल। ओके, तो वो ऐश और लीगल टीम जो है बैठी हुई है, वो आई थिंक ये उनका सारा कुछ है, हमारा नहीं है बेसिकली। ओके, तो ये वो लोग अपने आप देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है, बट वो ऐश ने बोला है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं ये सब चीजों को लेके, अगर कोई भी ऐश ने बोला कि हमारे ड्रीम को, हमारे हमारे सपनों को कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है अभी भी या करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो सारी चीजें इंक्लूडेड है उसके बीच में, तो वो सारा कुछ हो गया है। ओके, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल शाम को ही मैंने गवर्नर्स जो होते हैं यहाँ पे और लीगल टीम के जो अच्छे गवर्नमेंट्स ऑफिसर, उनके साथ डिनर भी करके आऊँ। अगर किसी को शक है कि ऑन पैसे लीगल नहीं है, तो ऐश ने ये बोला कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एड्रेस देता हूँ कंप्लेंट करने के लिए मेरी। ओके, सो लिसन ऑल दोज नेगेटिव पीपल्स, कि अगर आपको एड्रेस लेना है, कहीं कंप्लेंट करना है, ऑन पैसे लीग स्कैम है या कुछ है, तो ऐसे ही एड्रेस ले लो, आप कंप्लेंट कर दो उन्हीं लोगों को जिनके साथ ऐश डिनर कर रहे थे। ओके, तो आपको समझ आना चाहिए ऑन पैसिव कहाँ पे काम करती है, जब हम कहते हैं कि ऑन पैसिव छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ओके, थर्ड ग्रेड MLM कंपनी नहीं है जो आप सोचते हो, ऑन पैसिव बहुत बहुत बड़ी एक कंपनी है दुनिया की। ओके, तो अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो सोच समझ के बनाई जा रही है, दिमाग खोल के बनाई जा रही है, आंखें खोल के बनाई जा रही है, पढ़े लिखे लोगों की तरफ से बनाई जा रही है। ओके, थर्ड ग्रेड MLM वाले जो मालिक है उनकी तरह कंपनी नहीं बनाई जा रही, तो उनको समझ आना चाहिए प्लीज। ओके, कि यहाँ पे बहुत कुछ और बड़ा है, अगर विजन आपकी अभी भी नहीं खुल रही तो आने वाले दिनों में फिर और भी खुल जाएगी। ओके, इसके साथ ही जो लोग फाउंडर हैं और नेगेटिव बोलते रहते हैं, ओके, और नेगेटिव लिखते रहते हैं, कोई अपना ही उठा के मोर्चा ले आता है एंटी करप्शन का कार्ड सा दिखा के कि एप्लीकेशन देता है, तो एवरीथिंग इज वॉच्ड आउट, सब लोग एश एंड टीम जो है लीगल वो वॉच आउट करती है। तो कल को अगर उनका ड्रीम पूरा नहीं होता तो ये उन्हीं की गलती है,